नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं विक्रांत। राजधानी में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है और इसकी वानगी आज देखने को मिली है, जहां रात के 12 बजे से लेकर सुबह तक अपराधियों ने एक गांधी मैदान थाना क्षेत्र के लकड़ी के टिम्बर में करीब दर्जनों दुकान में डकैती जैसे बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो यहाँ कैंपस है, कैंपस में अमर शक्ति जो कि जेल सुपरिटेंडेंट का आवाज़ भी है वहाँ पे, और उसमें करीब अहले सुबह अपराधियों ने बंदूक की नोक पर जो यहाँ के कर्मी हैं उनका बंधक बना लिया गया और करीब 10 से 12 लाख रुपये की डकैती जैसी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। सवाल ये उठता है कि रात की घटना के बाद करीब 12 बजे 12 घंटे के बाद पटना पुलिस पहुंचती है, और आप देख सकते हैं कि इस तरफ की बात करें तो पटना को जो कोतवाली डीएसपी की जो गाड़ियां हैं यहां लगी हुई है, और अगर रोड की उस तरफ की बात कर ले तो पटना जो सिटी एसपी मध्य है उनकी गाड़ियां के सहित कई थाने की पुलिस मौके पर पहुंची है। लेकिन सवाल ये उठता है कि 12 घंटे के बाद जब पटना पुलिस पहुंचती है तो अपनी हनन दिखलाने के लिए पटना के सिटी एसपी जो है अमीश राहुल मीडियाकर्मी से बदसलूकी करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें धक्का मुक्की करके बाहर कर दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से गेट को बंद कर दिया जा रहा है। हालाँकि एक तरह से कहा जाए कि पटना पुलिस जो है अपनी नाकामी छुपाने के लिए या ऐसी घटना को अंजाम दिया जाए जो कि गेट पर जो पुलिसकर्मी के जो जवान यहाँ खड़ा है और किसी भी मीडिया पर्सन को अंदर जाने से रोका जा रहा है और साफ तौर पे जांच का हवाला देकर ये रोका जा रहा है कि यहाँ अंदर में जांच किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि घटना के करीब 12 घंटे के बाद पटना पुलिस पहुँचती है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए मीडियाकर्मी से बदसलूकी करती है। रात में ये गोडाउन है, प्लाई का गोडाउन है, केबल का गोडाउन है, इसके अंदर ऑफिस भी है एक दो, तो कुछ लोग रात में पीछे दीवार फाड़ कर अंदर घुसे हैं और उनके द्वारा अंदर में गार्ड जो अलग अलग सोए हुए थे, उनका स्टाफ सोया हुआ था, उनके साथ थोड़ी मारपीट की गई है, उनका हाथ पैर बांध दिया गया था और उसके बाद उन्होंने कुछ चीज़ वो लूट लिया है और लूट कर रात में निकल गए हैं। कुछ चीज़ें मतलब क्या लूट चले गए? 1 लाख के आसपास का कैश बताया जा रहा है और केबल के बंडल हैं। वो कितने का होगा? वो 1.5 लाख रुपए का होगा। जो फुटेज आप लोगों ने देख लिया? सीसीटीवी फुटेज हम लोग देखने की प्रक्रिया में है, कुछ देखा गया है और कुछ आगे देखा जा रहा है। कितनी दुकानें हैं सर अंदर? अंदर में गोडाउन ढेर सारे हैं, इन लोगों ने एक गोडाउन को टच किया है और दो ऑफिस को टच किया है। कितने लोगों को बंधक बनाया था? 3 लोगों को। नंबर ऑफ क्रिमिनल्स कितने थे कुछ बताया? 3 से 5, 6 के आसपास है, लेकिन 3 कंफर्म है, हर कोई 3 बता रहा है। अब वो 3 जो है सेम है या अलग अलग है वो अभी देखने पर पता चलेगा। अपराधी कितने की संख्या में थे? वही बता रहे हैं, 3, हर कोई 3 बता रहे हैं, और वो 3 अलग अलग थे या एक ही आदमी थे ये अभी हम लोग आगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं, उसमें मिलेगा। सर, इस कैंपस में जेल सुपरिटेंडेंट का भी आवास है और उसमें ऐसी बड़ी घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं, हाँ, ये एक दुस्साहस भरी घटना है, लेकिन हम लोग क्रिमिनल को तुरंत ही पकड़ लेंगे, इसका हमें पूरा विश्वास है। गश्ती पर सवाल, जैसे ही खबर गई थी उसके 1 से 2 मिनट के अंदर गश्ती आ गई थी, खबर पहले नहीं जा पाई थी, पुलिस को जैसे ही खबर मिली है रात में उसके 2 मिनट के अंदर गश्ती आ गई थी। लेकिन लोगों ने सर आरोप भी लगा रहे कि करीब 12 घंटे के बाद पटना पुलिस पहुंची है। नहीं, रात में 4 बजे, आप इनके ओनर से पूछ सकते हैं, खबर उन्होंने गांधी मैदान थाना को किया था उसके 2 मिनट के अंदर गश्ती यहाँ पर आ गई थी। अब घटना यहाँ स्टाफ था, स्टाफ को बहुत मार मारा है, 1:30 बजे के लगभग में, 1 से 1:30 बजे के लगभग में लोग इंटर किया है और स्टाफ को पहले वो रिएक्ट किया है, उसको रोकने की कोशिश किया है तो उसका मुंह हाथ बांध के उसको बहुत मारा है, ऑफिस का सब तोड़ दिया है, कैश 1,25,000 रुपया था वो ले लिया है, चांदी का सिक्का था करीब 60-65 को वो ले लिया है, और भी बहुत सारा सामान था, सब सामान इधर उधर कर दिया। अब क्या क्या है और निश्चित रूप से, लेकिन इतना तो कैश और चांदी का सिक्का तो लगभग 2-2.5 लाख का तो लिया ही लिया है। कितने की संख्या में अपराधी थे? 3-3 के टीम में 3-4 जगह बटा हुआ था वो लोग, इस पूरे कैंपस में कम से कम 4-5 जगह घटना घटी है। यानी अपराधी की संख्या कितना होना चाहिए? 9 से 10। हाँ, लेकिन सिटी एसपी का कहना है कि 3 की संख्या में अपराधी थे, 3 से 4 की संख्या में। अब हम लोग, मेरा भी स्टाफ 3 ही बोलता है, लेकिन एक लड़का है जिसने देखा है उसने बोला है कि 3 एक तरफ से आया था, 3-4 एक तरफ से आया था, कुल मिला जुला के 9-10 की संख्या थी। नहीं कर सकते बंधक बनाए, 3-4 जगह के लोगों को बंधक बनाया है, मेरे स्टाफ को बंधक बनाया है, उधर बिजली वाले स्टाफ को बंधक बनाया है, वो सब दरवान को बंधक बनाया है, ये सब 1-1.5 घंटा बाद अपने से किसी तरह से रिलीज हुआ। 1.5 घंटा घटना कितना घंटा तक मतलब अपराधी लोग यहाँ पर थे? अपराधी लोग तो 2 घंटा तो निश्चित था मिनिमम।
अभी तो, लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस समय सूचना मिली 5 मिनट के बाद पहुंची है पुलिस। अभी क्या हुआ है, अभी सीसीटीवी फुटेज देखे उसमें 12:15 से लोग एंट्री मारना शुरू किया। अच्छा। और 3:30 तक यहाँ हुआ है। अच्छा। तो पुलिस कितने देर के बाद यहाँ पहुंची है? हम लोग को, मेरा दरवान यहाँ नीचे रहता है, वो 3:45 में फोन किया भाग के कि भैया यहाँ पे चोरी हुआ। तो हम लोग जैसे ही बताया तुरंत थाना को इन्फॉर्म किया, 10 मिनट में वो भी आया है, तो 4:45 वो भी आया थाना। लेकिन जब तक आए हैं तब तक मैं पूरा यहाँ काम। कितने दुकानें में मतलब घटना? 7। हाँ, कितना के लगभग डकैती हुआ होगा? देखिए कैश मान के चलिए 1.5 लाख के आसपास खाली कैश होगा टोटल दुकानों में। हाँ, एक जगह से 40, एक जगह से 80-90 और बाकी गोडाउन से तार वार जो है ना केबल उबल, तो वो एक जगह से 2.5 लाख का वहाँ से गायब हुआ है, कहीं से 40,000 का गायब हुआ है। तो ऐसे देखिएगा तो 6-7 लाख का मोटा मोटी अंदाजा लगाया जा रहा है। 3 आदमी किया, उसके बाद हमको उठा के बैठा दिया, मारने लगा। हम कहते काहे के लिए मार रहे हो गरीब मजदूर आदमी को, तो बोलेगा तो बालू चक्कू। उसका बाद तीनों मारे लगा, ये सब दांत सब तोड़ दिया है। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से मीडिया कर्मी से जो पटना के सिटी SP हैं बसलुकी करते हैं, धक्का धुक्की करते हैं, कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छुपाने के लिए, एक बड़ा सवाल है। और अब देखना ये होगा कि खबर चलने के बाद ऐसे हनन जो पटना के सिटी SP हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई करती है। सहयोगी बंटी के साथ मैं विक्रांत, न्यूज़ PR पटना।